गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो पापा यहाँ पे देख रहे हैं टीवी में न्यूज़ और अपने न्यूज़पेपर का भी वेट कर रहे हैं। और आज का वेदर भी ऐसी ही है, धूप बहुत हल्की है। और यहाँ पे मम्मी लगा रही है आंगन का पोछा और मेरा भी अंदर का पोछा लगने वाला है। और कपड़े स्पिन करने के लिए डाले हैं, तो पहले कपड़े डालूंगी और फिर बच्चों के लिए करूंगी टिफिन रेडी। तो मैं आ गई हूँ दोनों बच्चों को छोड़ के, और आज इतना ठंडा हो रहा है। और ये देखो पूरा रूम फैला हुआ है, तो पहले इसको करती हूँ ठीक और पर्दे करती हूँ साइड। उस टाइम धूप नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था आज मौसम ऐसे ही रहेगा, पर धूप आई गई है। तो पहले घर की खिड़कियाँ भी खोलती हूँ और ये ब्लैंकेट। तो पहले तो ये सारे कपड़े समेटती हूँ। और आज मॉर्निंग इतना ठंडा था कि दो दो स्वेटर पहन के जाना पड़ा, तो पहले समेटती हूँ ये कपड़े और फिर बिस्तर साफ करती हूँ और फिर जाऊँगी नहाने। तो मैं आ गई हूँ नहा के और मैं ले आई हूँ अपनी प्लेट ब्रेकफास्ट की, जिसमें है, आपको दिखाती हूँ अभी, जिसमें ये हरी सब्ज़ी राई की, बैंगन का भरता, थोड़ा सा रात का बचा था, ये है आलू का चौखा, ये है हरी चटनी, ये है दो मिर्च, ये है नींबू और ये है रोटी। और ये मैं तो अब करती हूँ ब्रेकफास्ट और ये है मेरी चाय। तो जल्दी से करती हूँ ब्रेकफास्ट, प्लेट देख के तो अब भूख भी बहुत लग रही है। थोड़ा सा चटनी में भी, वैसे तो चटनी में मैंने डाल रखा है, और भरता में नींबू, ऊपर से नींबू डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप भी ट्राई करके देखना। थोड़ा सा भरता और ये चटनी। तो भूख लग रही है, खाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा टीवी देखा, फिर उसके बाद ध्यान आया कि ऊपर अलमीरा से निकालना है ब्लैंकेट, क्योंकि अब ठंड भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो लाई बाहर से सीढ़ी और समझ नहीं आ रहा था कि किस में रखी होगी, तो पहले ऊपर के दोनों ही निकाल लिए मैंने। ब्लैंकेट निकालने के बाद टाइम हो गया था चुन्नू की स्कूल की छुट्टी का, तो जाती हूँ उसको लेने। और कल हेयर कट नहीं कराया था, तो आज उसके हेयर कट करा के भी आऊँगी। चुन्नू को स्कूल से लाने के बाद मैं आ गई थी राजीव नगर चुन्नू के हेयर कट कराने। तो चुन्नू बैठ गया है हेयर कट के लिए, और गुस्सा भी हो रहा था क्योंकि वो मना कर रहा था हेयर कट नहीं कराना है, क्योंकि जब मशीन लगती है लास्ट में तो वो डरता है। इवान आ गया अपना हेयर कट करा के, और अब गुस्सा क्यों थे वहाँ पे? तो जब इवान में बालों में मशीन लग रही थी तो इवान डर गया था। डर गए थे आप? तो आप ऐसे क्यों मुंह बना रखा था आपने वहाँ पे? हेयर कट के बाद घर आके चुन्नू को नहलाया, फिर लंच किया, और अब कर रहे हैं किचन की सफाई। तो मम्मी मैं यही बातें कर रहे थे बस कि किचन का गीजर ऑन किया तो पानी बहुत लेट गर्म हो रहा था, क्योंकि सर्दियों में बिना गर्म पानी के बर्तन नहीं धोए जाते हैं। पास रहो दीदी के, क्या कह रही है दीदी आपको? खड़े हो जा, खड़े उल्टा रहे। ए बदतमीज, थप्पड़ लगाओ भी किसके। लगी।
थी परी को लेके, और परी आते ही पहले अपने भाई को परेशान करती है थोड़ा, तो रखती हूँ उसके लिए लंच और मैं करती हूँ थोड़ा रेस्ट। परी के लिए लंच रख ही रही थी तब तक भैया भी आ गए किचन का गीजर ठीक करने के लिए, तो उन्होंने गीजर निकाला और सीधा आंगन में बैठ गए ठीक करने के लिए। और इसके अंदर भी जूना जमा हुआ था और रॉड भी चेंज करी है इसकी, तो आजकल कुछ ना कुछ होने में ही लगा हुआ है, कभी बाथरूम का गीजर ख़राब, कभी किचन का गीजर ख़राब। तो मैं आ गई थी शाम की चाय बनाने और पापा ने बताया कि ये सारा जूना गीजर से निकला है, जमा हुआ था गीजर के अंदर, और ये रॉड भी चेंज कराई है, तो रॉड तो चेंज होनी थी। तो चलती हूँ अंदर और बनाती हूँ चाय। तो मैं ले आई हूँ चाय, और आज चिन्नू लग रहा है स्मार्टी बॉय क्योंकि आज चिन्नू ने कराए हैं हेयर कट। आप मेरे जाइनी निकाल दिया आज? निकाल दिए, पर दिन में भी ये पतला ब्लैंकेट ठीक है ना? लग रही है ना, तो स्कूल में ही रहती मैं। क्यों? इतनी अच्छी धूप आती है उधर। तो अब बच्चों को घर में पसंद नहीं आता, स्कूल में ही अच्छा लगता है। तो पीते हैं चाय, और ठंडा भी बहुत हो गया है। परी चल बेटा, चलो चलो होमवर्क करना है अभी। कब? कल। कल तो स्कूल जाना है, कल कब करोगे? हैं? चलो परी, फोन बंद, दोनों के फोन बंद, टीवी बंद। और मैं जाती हूँ किचन में, आज बनेगी मशरूम की सब्जी। चल बेटा। तो आज बनेंगे मशरूम की सब्जी। तो प्याज खत्म हो गए हैं, तो चलते हैं स्टोर में, वहां से लेके आते हैं प्याज। तो यह है हमारा छोटा सा स्टोर जहाँ पे हमने जरूरत की चीजें रखी रहती हैं। तो चलती हूँ अभी थोड़ी, तो लाइट बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे बन गया है मशरूम के लिए मसाला, अब मशरूम कट करके रख दिए हैं। तो अब डालूंगी इसमें मशरूम डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और उसको कम आँच में पकाऊंगी। और परी को मशरूम पसंद नहीं है तो वो खाएगी आलू के पराठे। तो मैं जब सब्जी बना रही थी तो पापा छील रहे थे लहसुन, पापा ने इनको बादाम के साथ भिगा दिया है और सुबह खाली पेट खाते हैं। और लहसुन खाने के भी काफ़ी फायदे रहते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है, पाचन क्रिया ठीक रहती है। और यहाँ पे मम्मी देख रही है अपना सीरियल, और मैं चलती हूँ रूम में क्योंकि बच्चे बैठे हैं पढ़ने। चलो परी, कंबल तो बटोर देती बेटा। चलो कर रही हूँ होमवर्क, मम्मा चेक करेगी। बच्चे बैठ गए हैं पढ़ने और मैं भी बैठ गई हूँ इनके साथ। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय।